धर्म के प्रथम धर्म गुरु श्री गुरु नानक देव साहब के 553वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में गुरुद्वारा नया बांस लोहा मंडी की तरफ से जयपुर हाउस के श्री रामलीला मैदान में भव्य दीवान सजाए। इस कार्यक्रम में हरविंदर साहब अमृतसर से आए रागीजनों ने शब्द कीर्तन कर संगत को निहाल किया। सिख धर्म के प्रथम धर्म गुरु श्री गुरु नानक देव साहब के 553वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में गुरुद्वारा नया बांस लोहा मंडी की तरफ से जयपुर हाउस के श्री रामलीला मैदान में भव्य दीवान सजाए। इस कार्यक्रम में हरविंदर साहब अमृतसर से आए रागीजनों ने शब्द कीर्तन कर संगत को निहाल किया। लोहा मंडी से जुड़े एक सदस्य ने बताया कि सैकड़ों साल पहले श्री गुरु नानक देव साहब भारत यात्रा करते हुए गुरुद्वारा नया बांस आए थे। जब यहां पर रहकर पीलू फूल के पेड़ के नीचे बैठकर पीलू के पौधों से दीन दुखियों की समस्याओं को दूर किया था। जब से संगतों में इस गुरुद्वारे की काफी मान्यता है। गुरु नानक जी का जो प्रकाश पुरब है उनके चरण पड़े थे यहाँ पर। वो पीलू बाबा, पीलू वाले बाबा के नाम से यहाँ पर एक पेड़ था। जब वो वहाँ अपनी उदासी में यहाँ पर आए तो वो वहाँ पर संगतों का वहाँ पर उन्होंने उद्धार किया, उस फल को उनको दिया। वो कड़वा होता था लेकिन उनके हाथ में देने के बाद जिन्हों जिन्होंने फल छका है वो उनका बहुत मतलब उनकी सब तबीयत वगैरह सब कुछ ठीक हो। तो वो ऐतिहासिक गुरुद्वारा आज पीलू वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ हर होली में पीलू वाले बाबा के नाम से मेला भी भरता है। गुरुद्वारा थोड़ा अंदर होने की वजह से, जगह थोड़ा सा वहाँ कम होने की वजह से हम इसको बाहर रामलीला ग्राउंड में इस बार गुरु नानक देव जी का 553वां प्रकाशोत्सव मना रहे हैं। ये हर साल की भांति यहाँ गुरु नानक देव जी का प्रकाशोत्सव लोहा मंडी गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से मनाया जाता है। क्योंकि और यहाँ रामदास अमृतसर वालों का कीर्तन हो रहा, कीर्तन चल रहा है, और वीर महेंद्रपाल सिंह सुखमनी सेवा आगरा वालों का भी कीर्तन हुआ, और दूर दूर संगत आती है और उसका श्रवण करती है। गुरु नानक देव साहब के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित इस दीवान में श्री गुरु ग्रंथ साहब के सामने मत्था टेकने आए श्रद्धालुओं की खुशी देखते ही बन रही थी। गुरुद्वारा नया बांस प्रबंधक कमेटी द्वारा यहाँ कई वर्षों से अलौकिक कीर्तन समागम गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को समर्पित रखते हुआ है। हम लोग शुरू से जब से ये अलौकिक कीर्तन चल रहा है 20 साल से, हम तब से यहाँ पे गुरु महाराज ने ऐसी बख्शिश बख्शी है कि हम मत्था टेकने परिवार से जरूर आते हैं, और आज वो सौभाग्य मिला है जिसमें पंथ के रागीजन कथा कीर्तन द्वारा संगतों को निहाल कर रहे हैं। पिछले कई सालों से लोहा मंडी गुरुद्वारे द्वारा ये कार्यक्रम अलौकिक कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विशाल पूरे आगरा की क्या पूरे जिले की, पूरे प्रदेश की, पूरे देश से दूर दूर से संगत यहाँ पे आती है। इस टाइम अमृतसर से आए हुए रागीजन हैं सरबजीत जी, वीर जी, उनका कीर्तन यहाँ पे चल रहा है। आप देख सकते हैं कितनी यहाँ पे संगत है। और वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कीर्तन दरबार की समाप्ति पर सभी संगतों में गुरु घर का अटूट लंगर बरताया गया। सी न्यूज के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।